नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कड़े तेवर के बाद मोदी सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाले थे। केंद्रीय क्रामिक मंत्री जितेंद्र का कहना है कि यूपीएससी ने यह फैसला पीएम मोदी के कहने पर लिया है। हालांकि चिराग पासवान लेटरल एंट्री पर रोक को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन पूछ रहा है कि अगर रोक इनके कहने पर लगी है तो इसे लाया गया किसके कहने पर। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। संविधान और आरक्षण पर जो तेवर चुनाव के पहले थे, नतीजों के बाद भी राहुल का वो तेवर बरकरार रहा। इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता के दहलीज तक नहीं पहुंच सका, लेकिन राहुल का रुख नहीं बदला। तभी तो केंद्र सरकार ने जैसे ही नौकरशाही में इलेक्ट्रल एंट्री का विज्ञापन जारी किया, राहुल ने इसे संविधान पर हमला बता दिया, दलितों के आरक्षण पर डांका बता दिया, केंद्र सरकार के फैसले को नाकाबिले कबूल बता दिया और महज 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया, इलेक्ट्रल एंट्री का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के आक्रामक तेवर के सामने सत्ता ने सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने 45 पदों के लिए निकाले गए लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को वापस ले लिया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लेटरल एंट्री था, 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। और कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था, सभी लोगों उन पर कूद पड़े, पीछे हट गए। इस बार हकीकत यह है कि 2 दिन के अंदर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपनी हार मान ली। अभी देखते जाइए और भी ऐसे हार देखें। लेटरल एंट्री पर रोक का फैसला भले ही विपक्ष के आक्रामक तेवर के कारण आया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता पीएम मोदी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने लगे। जिस लेटरल एंट्री को लेकर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े उसे भी ट्रांसपेरेंट बताने लगे, लेकिन राहुल ने बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। संविधान और आरक्षण की रक्षा के संकल्प के साथ आरक्षण की मौजूदा 50% सीमा को तोड़ने के लिए जाति जनगणना की मुनादी भी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लड़ाई ने बीजेपी के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन जब तक आरएसएस और बीजेपी सत्ता में है पिछड़ों दलितों को सावधान रहना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने लिखा।
हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। हालांकि नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मोदी सरकार के फैसले पर एनडीए में भी रार छिड़ गई। राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी के आक्रामक तेवर के बाद एलजेपी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिना आरक्षण वाली इस भर्ती के खिलाफ ताल ठोक दिया। यही वजह है कि इस पर रोक लगने के बाद अब चिराग पासवान खुद की पीठ थपथपा रहे, तो साथ ही पीएम मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस या आरजेडी चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल उठा रही है। सवाल ये कि जो सरकार संविधान पर हमला कर रही है, आरक्षण पर डाका डाल रही है, उस सरकार पर आप बने ही क्यों हुए हैं? क्या आपके समर्थन से ही मोदी सरकार ये सब नहीं कर रही? सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास करकर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ करकर, इसको रद्द करकर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग। नरेंद्र मोदी जी, आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब यूटर्न क्यों, किसकी वजह से लिया गया ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो मनमानी चल रही थी लेटरल एंट्री के लिए या डायरेक्ट IPS IAS अधिकारी या और किसी पद के लिए, उसको मेरे ख्याल से रोक लग ली, क्योंकि सीधे कहा कि भाई आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री करना है तो UPSC के माध्यम से करना है। मेरे ख्याल से जो बात सरकार के सामने लाई, मैं समझता हूँ कि उससे सरकार डर गई। एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है, संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते, अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताया 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने? संविधान की खुलेआम हत्या कर रही है, जो आरक्षण की खुलेआम हत्या कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज इन्होंने ये विज्ञापन क्यों वापस लिया? मोदी जी की सरकार ने ये विज्ञापन निकाला था। 45 लैटरल एंट्री पोजीशंस मतलब IAS उच्च अधिकारी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशंस है, जहां पे 20-25 साल की नौकरी के बाद कोई अफसर पहुंचता है, वहां पे कह रहे कि हम बाहर से लेके आएंगे और वहां पे आरक्षण नहीं रखेंगे। लेकिन आज जब जाके हाहाकार हुआ, खुलेआम इनकी चोरी पकड़ी गई, तब वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं, यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं, इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC ST OBC के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए।
आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर, जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए, और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलाइज के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए, अब आप अलायंस में हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने जब नौकरशाही में लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला था, तभी राहुल गांधी ने कहा था कि ये बीजेपी और आरएसएस के आरक्षण खत्म करने के साजिश का हिस्सा है और इस विज्ञापन के जरिए आरएसएस के लोगों की भर्ती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।